हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हैं आप सब लोग। अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अभी कहाँ जा रही हूँ। एक्चुअली मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, मैं जस्ट अभी आई हूँ। अभी बजा है रात के 8 और मैं जस्ट अभी अपने एक फ्रेंड के घर से आ रही हूँ। और आप सब जानना चाहेंगे कि मैं किस फ्रेंड के घर गई थी, तो मैं आपको बता दूं कि मैं मेरी एक बचपन की फ्रेंड है और इवन मेरी फास्ट फ्रेंड भी है। हम लोग साथ स्कूल में पढ़ते थे, इवन साथ कॉलेज, और हम लोग बचपन से साथ साथ रहे हैं। बट अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरी भी शादी हो गई है और उसकी भी शादी हो गई है। तो एक्चुअली उसकी शादी अभी लॉकडाउन में ही हुई है, तो मैं जा नहीं पाई थी उसकी शादी में। उसने इनवाइट तो किया था बट मैं जा नहीं पाई शादी में। और इवन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो हम बहुत बार मिलने का प्लान बनाया बट हम कभी मिल भी नहीं पाए। फिर मैं ना अभी अपनी मम्मी के घर आई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा, उससे मैंने बात की तो उसने बोला कि मिल लेते हैं। तो एक्चुअली मिलने का कभी हो नहीं पा रहा था, तो फिर वो भी अपनी मम्मी के घर भी आई है और मैं भी अपनी मम्मी के घर आई हूँ। तो फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि चलो थोड़ा सा मिल लेते हैं, और बहुत दिन भी हो गए। तो फिर हम लोग आज मिले और मैं जस्ट अभी उसी के घर से आ रही हूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आज का अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो अभी मैंने वहाँ से आके फिर अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना, मैं अभी अपने टेरेस पे ऐसे ही बस वॉक कर रही हूँ, और मैंने सोचा कि वॉक करते करते अपना व्लॉग भी मैं शूट कर लेती हूँ। मैं आपको ना बताती हूँ कि जब मैं अपने फ्रेंड के घर गई ना, तो मतलब मुझे इतने दिनों बाद हम लोग मिले, मुझे इतना अच्छा लगा कि रियली आप लोगों को, मतलब जब शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि नहीं, कि जब किसी आप बहुत ही ज़्यादा फास्ट फ्रेंड से कभी मिलते हैं और भी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो एक बहुत ज़्यादा ना, मतलब इतनी सारी बातें होती है ना। और मैं तो बीच में थोड़ा सा ना, मतलब कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा इमोशनल भी हो गई थी। और फिर हम लोगों ने ना बहुत सारी बातें की। और फ्रेंड्स, एक्चुअली पता है आपको, प्लान तो मूवी का भी था बट प्लान नहीं था। फिर मैंने, हम लोगों ने डिसाइड किया कि मूवी कभी नेक्स्ट, मे बी नेक्स्ट टाइम हम कभी ज़रूर जाएंगे। और आपको पता है, जब मैं वहाँ से आ रही थी ना, तो मेरा मतलब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वहाँ से आने का, क्योंकि इतनी सारी बातें थी ना, हमारी बातें ही ख़त्म नहीं हो रही थी। सो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर मे बी कभी नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग कभी मिलेंगे, तो फिर हम मतलब खूब सारी बातें करेंगे। और मैं वहाँ पे ना अंकल आंटी से भी मिली, क्योंकि उन लोगों से भी मिले हुए बहुत टाइम हो गया था। इवन मैं घर ही नहीं गई थी, बस फ़ोन पे कभी बातें हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने कम से कम मैं आई हूँ मम्मी के घर, तो मैं मिल भी लेती हूँ, और बहुत टाइम भी हो गया था, क्योंकि फिर उसके बाद पता नहीं कब टाइम मिलेगा। एक्चुअली रहती तो वो भी दिल्ली में ही है और मैं भी दिल्ली में ही रहती हूँ, बट फिर भी मिलना नहीं हो पाता है क्योंकि उसके हस्बैंड बाहर गुजरात में रहते हैं, तो कई बार वो बाहर भी रहती है। सो कभी कभी बस ऐसे ही हो जाता है। तो चलिए, अभी मुझे लगता है ना, मैंने एक्चुअली अभी मेरा डिनर करने का भी टाइम हो गया, बट मैंने ना अभी मैं डिनर, एक्चुअली मुझे भूख नहीं है, मैं इतना सारा खा पी के आई हूँ ना, मैं खूब सारा ठूस के आई हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी ना मैं बहुत देर से टेरेस पे ही ऐसे वॉक कर रही हूँ, क्योंकि जब से मैं आई हूँ ना, तो मतलब सोचा कि थोड़ा सा वॉक कर लेती हूँ, अच्छा लग रहा है। क्योंकि थोड़ा सा ठंड अभी इतना नहीं है दिल्ली में, और थोड़ा सा मतलब मन भी कर रहा था थोड़ा सा वॉक करने का। तो फिर मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया। और ये देखिए, मैं ना अभी अपने टेरेस पे ही हूँ, आप देख पा रहे होंगे। सो मैं ना अभी चलती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि एक कप ना, मेरा चाय पीने का मन है गर्मा गर्म, तो मैं एक कप अच्छे से अदरक वाली अभी चाय बना के पीती हूँ। और मैं ना अभी अपने किचन में आ गई हूँ, और एक्चुअली खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, बस एक कप बढ़िया सी चाय पीने का मन है। तो मैं जल्दी फटाफट से एक कप अपने लिए चाय बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरी चाय बन के रेडी है, तब तक मैं अपनी गर्मा गर्म चाय इंजॉय करती हूँ। और अब मेरा आज का ये व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। और चलिए, मैं आज का अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।